भाई बिग बॉस के अंदर बड़े से बड़े लोग आए और बड़े से बड़े लोग चले भी गए, पर बिग बॉस के अंदर एमसी स्टैन एक ऐसा पहला बंदा है जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, एक आर्टिकल में छापा गया है, ध्यान से देखना। हु इज एमसी स्टैन क्वेश्चन मार्क मीट द मोस्ट वोटेड कंटेस्टेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। बिग बॉस के अंदर एमसी स्टैन एक ऐसा पहला बंदा है जिसको बहुत सारे वोट्स आए। क्या बात है बॉस भाई, क्या फेम और पैसे के लिए एमसी स्टैन और अब्दुल रजिक ने फेक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की है? ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, सलोनी सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया जिसका नाम है एमसी स्टैन वर्सेस अब्दुल रजिक। उन्होंने खुद बोला है कि ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज होती है ये खुद क्रिएट करते हैं ताकि इनको फेम मिल सके। देखो इस वीडियो क्लिप में। Why you calling him bro? Self respect where bro? लोगों को समझ में नहीं आता कि ज्यादातर controversies जानबूझ के create करी जाती हैं कि limelight में रहे इंसान। You are very बेवकूफ bro, you are very बेवकूफ। भाई आपको सलोनी सिंह सलोनी आपा के बारे में तो पता होगा, उन्होंने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है जिसका नाम है MC Stan versus अब्दुल रजिक। उसके अंदर उस वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले, क्या वो सही है कि नहीं, देखो इस वीडियो क्लिप में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये भी इतना सीरियस होके बोल रहे हैं मेक रील, मतलब रील की बात पे लड़ाई हो गई तुम लोग की और तुमको बुरा भी लग रहा है? सच्ची बच्चा है क्या भाई, उम्र क्या है इसकी बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। भाई मुझे लगा फाइट खत्म हो जाएगी पर ये फाइट तो बढ़ती ही जा रही है, एमसी स्टैन और अब्दुल रजिक में अभी तक फाइट चल रही है, फाइट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पर इसी के ऊपर सुम्बुल तौकीर ने इसके ऊपर कुछ बोला है, देखो इस वीडियो क्लिप में। ऊपर से ये दोस्ती सच्ची है तो होती है, हर दोस्ती में लड़ाई झगड़े होते हैं, बस ज्यादा लोगों को नजर इसलिए आ रहा है, ज्यादा लोगों को इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों ही लोग बहुत फेमस हैं। स्टैन और अब्दुल